जी मैं शुरू करवा जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज के दिन का अगला मैच जोध इलेवन बा मुकाबला थोआ खालसा के दरमियान साजद इस्लामाबाद आ गए हैं स्ट्राइक एंड पे और पहला ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार इमरान भट्ट गोजरा। एक तगड़ा मुकाबला चल रहा है, मानी भट्ट गोजरा जी बिल्कुल तैयार थे गेंदबाज करने के लिए, लेकिन सामना करेंगे ब्रदर का बड़े उम्दा जरा फॉर्म में है और हर बड़े शॉट खेलने जरूरी होंगे। इसका खेला है पहला बॉल और बॉल ऊपर जा रहे हैं, इससे पिछला मैच विन किया है, इससे पिछला मैच विन किया है भाईजान सियाल इलेवन। ये मैच जा रही है जोध वर्सेस थोआ खालसा। प्रकाश भाई बस आज बड़ा नाम कमाया जना पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का नंबर वन लेफ्टी जनाब, अगर मैं गलत ना हूँ तो नंबर वन लेफ्टी बल्लेबाज जनाब बिल्कुल कीपर के छह रन के लिए खेला यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला जनाब बल्लेबाज, क्योंकि पहले भी रसीद है यहाँ पे टफर से यार बाल भिजवा दीजिएगा बाल हरिया हाँ जी सूर्या डाउन किसी का चावल मांग के लाए प्री क्वार्टर फाइनल है भाईजान। मलिक जफरी ने मैच विन कर लिया, अब नेक्स्ट मैच होगा आज के दिन का आखिरी मैच। क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया हुआ है मलिक जफरी की टीम ने, इस मैच की विनर के साथ मलिक जफरी लोगों का क्वार्टर फाइनल होगा। चार रन के लिए खेल दिया थोआ खालसा के बल्लेबाज ने। बैट्समैन है जी इसमें आज के दिन का नुमान मलिक, ये मैच है सेकंड लास्ट, इसके बाद लास्ट मैच होगा। पांच ओवर है, पांच ओवर होंगे। सरदार अमर बैटिंग पे जो इसके नाम है इस्माइल, लॉन्ग स्ट्राइक एंड पे साजिद, लेकिन यहाँ पे फिर से वाइड बॉल होगा जी बड़ी उम्दा। जहीर कालिया भाई आए थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन पहले ही राउंड में उनकी टीम बाहर हो गई। चकवाल इसलिए मशहूर है रेबड़ी और साथ में हुरम की वजह से। वालेकुम अस्सलाम शौकत महमूद भाई, जिक्र किया जाए एक मर्दान के मिस मर्दान और साथ में एक उमर मर्दान, ये दो मशहूर है क्या बात है। दवा खेला है लेकिन यहाँ पे आज के दिन का बहुत ही अच्छा मैच आपके सामने लाइव चलता हुआ। इमरान भट्ट गोजरा पहला ओवर कर रहे हैं जोध की जानब से, बैट्समैन अब इनके सामने साजिद इस्लामाबाद सूर्य भट्ट भी उसके साथ साथ जनाब अच्छी भट्ट भी है, गुजरात से तल्लुक है तो बड़ी उत्तर टीम बनेगी, लेकिन अगर पंजाब पुलिस की टीम जोड़ी जाए तो पूरे 11 प्लेयर्स बनते हैं, ये प्रोफेशनल है जो मैं आपको करवाता हूं। एक दफा फिर से जरा पानी भर आए बाल किया है लेकिन यहां पे बचे रहेंगे। हाँ फंबल हो गए, फंबल हो गए निराश पे जी। ठीक है श्याम भाई आपको सलाम देते हैं। गफार भाई ने मैच विन किया, अब क्वार्टर फाइनल मैच होगा उनका इस मैच की विनर टीम के साथ। अच्छी बात है पाकिस्तान आर्मी से, उनके साथ साथ अब सैयद इशरात शाह थाना चौतरा होन से तल्लुक है, ये भी पंजाब पुलिस, उसके बाद एक और इशरात शाह गुजरात से तल्लुक है पंजाब पुलिस, रईस शाह पंजाब पुलिस है जरूर, लेकिन टाइम किया था चांस नहीं था ये बाल। चार रन के लिए खेला साजिद इस्लामाबाद ने, बिल्कुल चार रन में दिलाई रन हुआ चले जी
एक ओवर की खिताब स्कोर आगे 18 इमरान भट्ट गोजरा की ओवर में 18 रन। सब फ्रेंड्स प्लीज वीडियो करें एक एक दफा शेयर। आज के दिन का बहुत ही अच्छा मैच जारी। जमील भाई कोई रोला नहीं है, ये कौन सा मैच आ रहा है भाई? मैच हो रहा है प्री क्वार्टर फाइनल। शिराज अहमद जोध की टीम में बॉलिंग भी है और बैट्समैन भी है, तो खालसा की टीम एक ओवर के हिसाब पे है 18 स्कोर। दूसरा ओवर करने के लिए है वसीम लेफ्टी, स्ट्राइक गेंद पे मौजूद है इस्माइल। बहुत ही बड़ा शॉट खेला 6 रन के लिए। अच्छी बैटिंग करते हुए इस मैच में इस्माइल 6 नंबर 2 बाय इस्माइल। 5 ओवर है मौसम मजीद भाई, 5 ओवर का मैच हो रहा है। फर्स्ट इनिंग का खेल जारी, दूसरा ओवर कर रहे हैं वसीम लेफ्टी। यहाँ पे अच्छा कमबैक आ जा सकता है वसीम लेफ्टी की जानिब से। पिछला मैच विन किया है हमें नवाज भाई सिहाल की टीम ने। क्या बात है जनाब और वाइड का आया चौका यानी कि बगैर बॉल के 5 रन आए हैं। वालेकुम अस्सलाम हमीद भाई, मैच जारी है तरबे जोध बा मुकाबला तो खालसा के दरमियान। सेकेंड ओवर के खेल जारी है, स्कोर हो चुका है तकरीबन 30 रन। क्या शॉट खेला है यहाँ पे इस्माइल, इस्माइल ऑन फायर इस मैच में 6 नंबर 3 बाय इस्माइल। इस्माइल यू ब्यूटी, एक्सीलेंट बैटिंग, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए इस्माइल छक्के पे छक्का लगाते हुए इमरान भट्ट गोजरा एंड वसीम लेफ्टी के दोनों ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हुआ ये नौजवान बल्लेबाज। बिल्कुल ओपन है जी थोड़ा खालसा का जी, ठीक हो गया सुफियान भाई आपके सामने थे। पहले ओवर में 18, इस ओवर में 24, यानी कि 2 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 42। हाँ जी बिल्कुल, ऐलान था जनाब ये शाइकी ने क्रिकेट, थोड़ा सा गौर से सुन के जी, ये ऐलान बड़ा अहम ऐलान जनाब जी, जो पानी है जनाब इस इवेंट के उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है जी कि जितने भी टीम्स हैं, जितना भी क्राउड है, सबके लिए ऐलान जनाब यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए, आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए जनाब यहाँ पे पूरा 2 घंटे का जनाब प्रोग्राम बनाया गया है इतवार वाले दिन। पूरी 6 बालों का ओवर है, 2 ओवर की किताब स्कोर हुआ है 42। स्टाइलिश शॉट यहां पे लगाया है तहरी इस्लामाबाद के छोटे भाई साजिद इस्लामाबाद ने, क्योंकि फाइनल पहले कल करवाना था लेकिन उनकी वजह से परसों पे चला गया। बात फैल दीजिएगा, बात फैल दीजिए जल्दी से।
जनाब मैच वाले के चांसेस जनाब 70% शायद आए और उम्मीद करता हूँ आएगी जहां तक मेरा डिसीजन माय ओपिनियन है। लेकिन 48 स्कोर हो चुका है, तीसरे ओवर का खेल जारी, फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही है तो खालसा की टीम, बॉलिंग भी है सिराज इलेवन जो इमरान भट्ट गोजरा अपना दूसरा और फर्स्ट इनिंग का तीसरा ओवर करते हुए। अनदर ग्रेट शॉट बाय साजिद इस्लामाबाद। आपको बताते जाएंगे साजिद जो बैटिंग कर रहा है ये है तहरी इस्लामाबाद का छोटा भाई, अच्छी बैटिंग करते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में फर्स्ट राउंड में भी बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी और आज भी अच्छी बैटिंग कर रहा है साजिद इस्लामाबाद। अनदर भाई वेलकम है, कोलियां वालों की टीम बाहर हो गया है हारिस मिर्जा भाई। सरदार भाई जिंडू की टीम बाहर हो गई इसी कल। इस्लामाबाद ये तहरी इस्लामाबाद का छोटा भाई आज तहरी इस्लामाबाद की कमी कर रहा है पूरी क्योंकि उनकी टीम तो हो गई बाहर लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए तीन छक्के लगा चुका है तीन बारों पे इमरान भट्ट गुजरा को। इमरान भट्ट एकदम फिर से सामना करेंगे साजिद का। ये प्री क्वार्टर फाइनल है भाईजान, क्वार्टर फाइनल इससे अगला मैच होगा क्योंकि मलक जफरी गफार गोगा की टीम ने क्वार्टर फाइनल में किया हुआ है क्वालिफाई, जो टीम ये मैच विन करेगी उनके साथ होगा उसका क्वार्टर फाइनल है। यू ब्यूटी साजिद इस्लामाबाद यू ब्यूटी। कार्तिक जी बारिश इस मैच में थुआ खालसा के बल्लेबाजों ने छक्कों की। ओ,